अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर में आज हुई तेज बारिश ने बाल स्कूल के सामने कहर बरसाया है और तेज बारिश के चलते सड़क किनारे एक बड़ा पेड़ सरकारी भवन पर गिर गया। गनीमत यह रही कि जब पेड़ भवन पर गिरा तो अंदर कोई नहीं था, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बारिश के दौरान बड़ा धमाका हुआ और बड़ा पेड़ शिक्षा विभाग के साथ लगते भवन पर गिर गया। पेड़ के भवन पर गिरने से काफी नुकसान पहुंचा है। हमीरपुर में हुई तेज बारिश ने बाल स्कूल के सामने कहर बरपाया है और तेज बारिश के चलते सड़क किनारे बड़ा पेड़ सरकारी भवन पर गिर गया। गनीमत ये रही कि जब पेड़ भवन पर गिरा तो अंदर कोई नहीं था, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बारिश के दौरान बड़ा धमाका हुआ और बड़ा पेड़ शिक्षा विभाग के साथ लगते भवन पर गिर गया। पेड़ के भवन पर गिरने से काफी नुकसान पहुंचा है, वहीं अब दूसरे पेड़ के भी गिरने का खतरा बना हुआ है, जिससे आसपास के दुकानदार और रेड़ी फड़ी वाले सहमे हुए हैं। दुकानदारों ने बताया कि बारिश के दौरान बड़ा पेड़ सरकारी भवन पर गिरा है। दुकानदारों ने बताया कि साथ लगते हुए दूसरे पेड़ के भी गिरने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द दूसरे पेड़ को काटा जाए ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। है कि काफी दिनों से ये ना दो पेड़ थे, एक पेड़ पल्ली तरफ को जा रहा था, एक पेड़ इस तरफ जा रहा था, तो एक रात को फिर 7 बजे ये वाला तो गिर गया और ये भी तैयार है, बिल्कुल जाने वाला है और इससे साथ बिजली की तारें लगी है और स्कूल की सारी बाउंड्री है, नीचे पब्लिक चली हुई है, तो इनका नुकसान काफी होने का चांस है, तो हम चाहते हैं कि ये भी इसको भी काटा दिया जाए तो अच्छा है, नुकसान से बच जाएगा। तो ये पीछे वाला पेड़ तो आपने देख ही लिया है कि कितनी नीचे से पोला हो गया है। हाँ जी, और नीचे से देखो बिल्कुल एक खोखला सा हो गया है सर। तो आपसे सभी से ये बेनती है कि ये आप जितनी जल्दी हो सके इसका नुकसान से बचाया जाए। रेडी फड़ी बालों का कहना है कि हर वक्त पेड़ के नीचे बैठने का भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि पेड़ बरसात में कभी भी गिर सकता है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस पेड़ को जल्द काटा जाए। गिरने वाला है ना सर, यहाँ रेडी लगाते हैं हम ना, तो जब मैं सुबह आया तो ये आधा उधर गिर गया था और ये भी इधर को आ चुका है, तो इधर रोड है ना, रोड के ऊपर कभी भी कोई जानी नुकसान हो सकता है और हमारे ऊपर भी गिर जाएगा ये, तो कृपया करके आप फॉरेस्ट वालों से ये उनका काम है, ये इनको उठवा दो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नगर परिषद के वार्ड पार्षद अश्विनी कुमार ने बताया कि भवन पर गिरे पेड़ को जल्द हटाया जा रहा है और दूसरे पेड़ को काटने के लिए भी वन विभाग को अवगत करवाया जाएगा ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। इससे बहुत भारी खतरा है क्योंकि रोड साइड है और कभी भी किसी पर चलती हुई जनता के ऊपर गिर सकता है। अभी फॉरेस्ट के कर्मचारियों को बताया गया है, वो आए हैं अभी स्कूल में, थोड़ा उनकी एप्लीकेशन वगैरह लेके दूसरे पेड़ को भी इसको कटवाने के लिए हमने कहा है और जल्दी से ये कार्य हो जाए, सब ठीक रहेगा, नहीं तो कोई भी घटना हो सकती है, किसी पर भी ये पेड़ गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पब्लिक का आना जाना प्रॉपर लगा रहता है और तारें बिजली की सबसे ज़्यादा खतरनाक कार्य ये है कि जब भी ये गिरेगा तारों पर गिरेगा, कुछ भी बड़े से बड़ा हादसा हो सकता है।